देवकी नंदन जी शुक्रिया आपका, लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ललित मिश्रा जी भी हमारे साथ हिस्टोरियन मौजूद हैं, इतिहासकार मौजूद हैं। हमने नौजवानों को रोक कर रखा है, नौजवान बेकाबू हुए तो रोक नहीं पाओगे। हमारे नौजवान बुजदिल नहीं है, 24 नवंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, 15 दिन बाद हम अपने तरीके से आएंगे। यानी अगर नहीं सुनी गई तो क्या हो सकता है, इसको लेकर धमकाते नजर आ रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। तौकीर रजा के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है, ये कोई मुल्ला मौलवी मौलाना नहीं है, इसका संबंध जरूर बरेलवी स्कूल के साथ में है, लेकिन ये एक सियासी आदमी है जो कि मजहब का, इस्लाम मजहब का दुरुपयोग इस्लामिक मुस्लिम पॉपुलेशन है उसे भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए करता रहा है। तो ये शुरू से बड़ा ही नोटोरियस किस्म का आदमी रहा और पहली बार नहीं है कि जब इसने इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं दिए हैं। इसके पहले इसी साल 2024 में फरवरी महीने में जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक डिस्प्यूट चल रहा था, वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया था अवैध कब्जों में जो जमीन है उसे मुक्त कराने के लिए, तो तब भी इसने यही बयान दिया था कि जो हमारे नौजवान है, मुस्लिम नौजवान है, उनको हमने रोक रखा है, उनको छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो धमकी है इसकी जुबान पे बसती है। उसके बाद क्या कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे तो रूह कांप जाएगी, हमने रोक कर रखा है अपने नौजवानों को, अगर छूट दे देंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। तौकीर रजा जैसे लोगों पर सख्त से सख्त धाराओं के तहत नए मुकदमे लिखा कर और इन्हें जेल की सलाखों के भीतर पहुंचा दिया जाए और बड़ी सख्ती इनके साथ की जाए, ऐसा उदाहरण सेट किया जाए, एग्जाम्पल सेट किया जाए कि इस तरह की बातें दोबारा रिपीट ना हो। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये जो एक हैंडलूम कारपोरेशन था उत्तर प्रदेश सरकार में, उसका वाइस चेयरमैन रहा और इसने बहुजन समाज पार्टी को भी अपना समर्थन दिया। हाफिज नूर साहब, क्या पॉलिटिकल अफिलिएशन मौलाना तौकीर रजा का कभी किसी पार्टी के पक्ष में रहा है, आप इससे भी इनकार कर रहे हैं क्या? ना ना ना, उनका पार्टी का समर्थन रहा वो अलग बोल अपनी सियासी पार्टी और मिल्लत काउंसिल उनकी खुद सियासी पार्टी है भाई, उन्होंने उन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, सर्वोच्च समाजवादी पार्टी को दिया है, बहुजन समाज पार्टी को भी दिया है, उन्होंने सेक्युलरिज्म पर काम किया है, कर रहे हैं। जो बरेलवी स्कूल है वहाँ तो अख्तर रजा जैसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने ISIS और अलकायदा के खिलाफ भी फतवे जारी किए। हर आतंकवादी के खिलाफ है तौकीर रजा भी, हम भी और हिंदुस्तान का हर मुसलमान। ललित मिश्रा जी, देवकी नंदन जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, इसके लिए मैं आपको भारत के संविधान और इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत एक सेकुलर कंट्री बना और जो संविधान हमारी संविधान सभा ने 1950 में बनाया उस संविधान में वक्फ बोर्ड के लिए कोई प्राविधान नहीं था, वक्फ बोर्ड हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बात सबको स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इसलिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर संविधान की बार बार दुहाई देना, संविधान का रोना रोना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हालांकि किया जा रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना लेकिन भारत में पाकिस्तान से पहले 1955 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, जबकि पाकिस्तान में आजादी के 10 साल बाद, कुछ अधिक समय बाद 1959 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो प्रश्न ये उठता है कि वक्फ जो है डोनेशंस मैनेजमेंट करने के लिए उसके लिए सरकार को एक कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि भारत में सभी लोग डोनेशंस करते हैं और अपने डोनेशंस को अपने अपने समाज के भीतर ही उसे मैनेज करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन सब लोग दान करते हैं, फिर केवल मुस्लिम्स को मिलने वाले डोनेशंस के लिए ही क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे मान्यता थी वो क्यों बनाई गई, इसके पीछे एक राजनीति है। देखिए जब भारत विभाजित हुआ तो भारत के मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जो रहने वाले हिंदू थे भारत में आ गए और अपनी अपनी ज़मीनें वहीं छोड़ गए। हुआ ये कि जो भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान गई उसे पाकिस्तान में हिंदुओं द्वारा छोड़ी गई भूमि पर्याप्त मात्रा में लैंड मिल गई, लेकिन जो हिंदू वहां से भारत आए उन्हें उसी तरह से जो यहाँ पर लैंड खाली की गई थी मुस्लिम पॉपुलेशन के वहां जाने के कारण वो खाली लैंड वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें यहाँ बसाया गया। तो यहीं से हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है सेकुलर संविधान होने के बावजूद। तो प्रश्न उठता है
कि क्या हमारे सेकुलर संविधान को पिछले दरवाजे से कम्युनल बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, एक कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर सवाल उठता है। चलिए, अभी कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है नहीं और ये डिबेट पॉलिटिकल थी भी नहीं। यहाँ पर जो अलग अलग धर्मगुरुओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। जहां तक सनातन बोर्ड की बात है, तो हमारे साधु संत और सन्यासी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मंदिर हैं उनके प्रशासन को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, जो वहां दान दिया जाता है, उस दान को मंदिरों के विकास के लिए, सनातन धर्म की प्रथाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिए इस्तेमाल ना किया जाकर अन्य अन्य मुद्दों पर, अनेक अनेक कारणों पर, अलग अलग चीजों पर उनको उस पैसे को खर्च किया जाता है, जिससे हमारे मंदिर जो हैं वो कोई चैरिटी नहीं कर पाते हैं, हॉस्पिटल नहीं बना पाते हैं, स्कूल नहीं बना पाते हैं। सनातन बोर्ड बनता है, मुसलमान को क्या ऐतराज होगा? हमें क्यों ऐतराज होगा किसी को सनातन बोर्ड बनने पे? जो हमारे साधु संत हैं वो सनातन धर्म की परंपराओं की पवित्रता के लिए भी बड़े चिंतित हैं। आजकल जिस तरह के वारदातें हुई हैं, थोक जिहाद और प्रसाद में जो मिलावट की गई है, उसकी वजह से जो ट्रस्ट है, जो आस्था है, वो टूटी है, विश्वास खत्म हुआ है। इसलिए अपनी पवित्रता को नष्ट होने से बचाने के लिए, जैसा कि लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट किया गया भारत में सनातन हिंदू धर्म की पवित्रता को नष्ट करने के लिए, इसलिए सनातन बोर्ड की डिमांड की जा रही है। और ये डिमांड बहुत पहले से है। एक सनातन बोर्ड अभी भी आंध्र प्रदेश में तिरुमला में फंक्शनल है, काम कर रहा है, लेकिन बोर्ड होने के बाद भी ये समस्या दूर नहीं होने वाली है, जब तक कि पूरा जो मंदिर का प्रशासन है, जो ये बोर्ड है, ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त ना हो, स्वतंत्र ना हो, स्वायत्तशासी ना हो।